चैनल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये हमारा कार्यक्रम जो है वो है सतर्क रहो। सतर्क रहो मीन्स आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन फील्ड हो या तो जॉब रिलेटेड हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वहाँ फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसी ही घटनाओं के साथ हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं आज हम पीना ठक्कर जी से। पीना जी, आप क्या करती है? नमस्कार दर्शक मित्रों, ओवरसीज एजुकेशन के साथ मैं जुड़ी हूँ एंड कैरियर कंसल्टेंसी। मैं अलग अलग जगह पे बच्चों के साथ में किस तरह से कैरियर में उनको आगे बढ़ना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाती हूँ। जी, तो आपके साथ अभी अभी कुछ ऐसी घटना हुई है, आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है ऐसा आपने बताया, तो हमने सोचा कि ये जो आपके साथ हुआ है वो हमारे दर्शक के साथ आप शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी बात शेयर करने से लोगों को पता चले कि आजकल क्या हो रहा है और कैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। सो आपके साथ क्या हुआ है वो बताइए। जी अमिनी बहन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि एक्जोटिक वेब मीडिया के जरिए जो हमारे शहर में हमारे बच्चों के साथ, हमारे यूथ के साथ में जॉब रिगार्डिंग उनको बहुत तरह के लालच दे के उनको पटाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और बहुत तरह के ऐसे फ्रॉड जो होते हैं समाज में, उसकी बातों पे हम प्रकाशित करेंगे। जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, ये बात हम यहाँ पे करना चाहते हैं। दो दिन तो कैसे हुई, मतलब आपके साथ कैसे घटना घटी वो बताइए। जी, ये मेरे साथ होने का मतलब है, एक तो न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा दो चार दिन पहले कि एयरलाइंस में अलग अलग तरीके की जॉब देने के बहाने कुछ फ्रॉड लोग स्टूडेंट के साथ में तरह तरह की बातें करके उनको फौसला के उनसे पैसे भी ऐंठ लेते हैं और इस तरह से उनके साथ में फ्रॉड होता है। मेरे साथ में जो बात हुई वो ऐसा है कि एजुकेशन फील्ड के साथ में जुड़ी हुई हूँ बहुत सालों से, शायद पता नहीं उनके पास में कुछ नंबर हो गए, उन्होंने मुझे बताया उस तरीके से, ऐसा था कि मेरे पास आपका नंबर एक साल से है, अब मुझे आपकी बेटी का एजुकेशन दीजिए, वो क्या करती है वो दीजिए और मैं आपको उसको बहुत अच्छी जॉब पे मतलब जॉब दिलाऊंगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। उसके बाद में मतलब वो इतना फ्रॉड करते हैं, उन्होंने मेल करे, जैसे हम सोचते हैं कि मेल आईडी से जो भी चीजें आती है वो ज्यादातर कहीं वो नहीं होती, फ्रॉड मतलब मेल जो आता है वो हम लोग ऐसा समझते हैं कि मेल पे जो भी बातें होती है वो एकदम से जेन्युइन होती है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो फ्रॉड पीपल जो है वो इस सतर्कता से अपना ईमेल आईडी उन्होंने ही जांच में किया, द एचआर पर्सन ऑफ द एयरलाइंस, एयरलाइंस के वो एचआर थे और बहुत अच्छी मतलब जॉब ऑफर भी वो बच्चों को बहुत अच्छी करते हैं, जिसे बच्चे उनकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे शहर के बच्चों के साथ या किसी के भी साथ में नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह का कोई भी फ्रॉड आपको मतलब जॉब की लालच देता है, आपसे बताता है कि मैं बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छी सैलरी में आपको जॉब दिला सकता हूँ, तो ज्यादातर ऐसे लोग या तो आपको उल्लू बनाते हैं या आपसे पैसे ऐंठने के धंधे करते हैं। लेकिन आपके साथ क्या हुआ वो हमें जानना है। जी मेरे साथ में हुआ वो ऐसा था कि एक आदमी का फोन आता है कि मैम मैं आपके बच्चों को जॉब दिला सकता हूँ और मैं कंपनी का एचआर हूँ, कंपनी का एचआर बताया कि मेल आया, जो क्या मैं गवर्नमेंट ऑथराइज पर्सन हूँ और मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छी जगह पे नौकरी दिला सकता हूँ। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बात की, इतना मतलब समझा के वो बात करते हैं, तरीका उनका इतना फितरत भरा होता है कि कोई भी उनकी बातों में आ सकता है। जी, तो मेल आने के बाद में मतलब आपने क्या, मतलब आपको कैसे पता चला कि ये फ्रॉड है? हाँ, मेल आने के बाद में जैसे मैंने मेरी बेटी का नंबर उनको दिया था, तो उन्होंने बेटी के साथ में बात की कि भाई मैं आपको इस तरह से नौकरी दूंगा 25,000 से, अभी तो वो फ्रेशर है, तो भी उन्होंने बताया कि मैं 25,000 से ज्यादा की जॉब आपको दे सकता हूँ, कोई भी पोस्ट आपको दे सकता हूँ। उनके बाद में उसके बाद में वो मतलब इस तरह से उसको बात करने लगे कि जॉब कंफर्म हो गई है आपकी, जस्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ,
और टेलीफोन पर उन्होंने बात किया, उसके बाद में उन्होंने बताया कि आपकी जॉब कंफर्म हो गई, आप मुझे इतना पैसा ट्रांसफर करो तो मैं आपको जॉब कितनी दे देगा। उन्होंने मेरी बेटी को बताया था 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया आप मेरे इस अमाउंट में ट्रांसफर करो तो मैं आपको जॉब देऊंगा जी। तो एक तो इतना मैच्योर होने के बाद में, और मैंने देखा तो मुझे इतना लगा कि भाई बच्चों के साथ किस तरह से कोई इंसान बात कर सकता है। बहुत बुरी तरीके से मतलब वो लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। द थिंग ऐसा था कि मेरी बेटी ने मुझे बता दिया कि माँ इस तरह से मेरे पे वत्सोप आया है, इन्होंने मेरे साथ ये बातें की है और ये आदमी मुझे सही नहीं लगता है। और उसने कुछ भी उनको दिया नहीं, नहीं कोई पैसे ट्रांसफर किए और न ही आगे बात की। तो मैम, हम दर्शकों को और स्टूडेंट्स को या यूथ को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटता है, आपको कोई भी अनजान व्यक्ति, सबसे पहले तो एक ये बात है कि अगर आप में स्किल है, आपको कोई चीज का अच्छा नॉलेज है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो फील्ड में जाना चाहते हो उसके बारे में आप अवेयर हो, आप बहुत अच्छी तरह से वो सीखते हो, तो आपको इस तरह की कोई भी जॉब के लालच में आना नहीं चाहिए। और अगर आपको बहुत जरूरत है, जॉब चाहिए या इस तरह का कुछ आप काम भी करना चाहते हो, तो ऐसे एजेंट के साथ में या ऐसी एजेंसी के पास में जो आपसे कंसल्ट है, उन्हीं से आप संपर्क करना चाहिए। अपने यहाँ पे भी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उनका संपर्क करो, तो कम से कम आप कहीं पे फंसो नहीं। ये बात हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं जी। मतलब कहना यही चाहते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस में जॉब देने के बहाने, मतलब इंजीनियर का स्टूडेंट था और वो फंस गया और 2,82,000 रुपीज मतलब उन्होंने बोला ट्रांसफर भी कर दिया उसने, वो लोग आज पकड़े गए, लेकिन वो मध्य प्रदेश यूपी से थे। ऐसे ही मतलब जो भी फ्रॉड जितने भी जिन भी लोगों के साथ होता है वो यही के लोग होते हैं और उनके पास डेटा कहीं से भी आ जाता है जी। और कहीं से भी डेटा आने के बाद में वो आपको फॉलोअप करते हैं, आपके बाद इंक्वायरी करते हैं, आपसे बात करते हैं, मतलब इस तरह से बात करते हैं कि आप उसमें फंस जाओ। और आप और ज्यादातर हमारे गुजराती के साथ हो रहा है जी, क्योंकि लोगों को पता है कि गुजरात में बहुत पैसा है और खास करके सूरत की बात करते हैं हम तो सूरत में बहुत अच्छे लोग मतलब बहुत धनवान लोग रहते हैं। तो इसको फंसाने के लिए यही रास्ता अपनाया जाता है और टारगेट होता है स्टूडेंट, सबसे पहले टारगेट होता है स्टूडेंट, उसके बाद आता है एटीएम कार्ड, उसके बाद आता है मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, पेटीएम आता है, आजकल सोशल मीडिया भी है उस पे भी बहुत कुछ होता है, फेसबुक आईडी है उससे भी मतलब उस पे भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बाद भी बहुत सारा कुछ होता है। जिन्होंने अनुभव किया है उनको तो पता ही होगा क्या हो रहा है, लेकिन ऐसी घटना आपके साथ न बने इसके लिए हम थोड़ा सा ये अवेयरनेस कार्यक्रम आपके लिए लाए थे, आपके लिए हमने ये किया। लेकिन आपके साथ अगर कुछ ऐसी घटना बनती है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे सतर्क रहो, ये हमारा एपिसोड था। और इसमें अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कोई घटना घटी है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर से हमारे चैनल का संपर्क कर सकते हैं और फोन नंबर भी आपको दे रहे हैं, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9227989607। इस नंबर पे आप कॉल करिएगा और हमें बताइएगा आपके साथ जो भी हुआ है, वो हम जरूर आपकी बातों भी लोगों तक पहुंचाएंगे और शायद आपको इससे कुछ न्याय मिल जाए। और हमारे चैनल को देखने के लिए आपको फेसबुक पेज हमारा लाइक करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।